मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ आपका मर्म चिकित्सा की कक्षा में सनातन भारत परिवार में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कि हम मर्म चिकित्सा में पांच मर्म शंख, अपांग, आवर्त, शेप, सीमांत, इन सबका उपचार कैसे कर सकते हैं और इन सबके उपचार की विधियां क्या है और इन सबके उपचार के फायदे क्या हैं। मैं बेसिकली भी आपसे सीमांत मर्म के बारे में बात करूंगी, पर जो मैं तकनीक का इस्तेमाल करूंगी उस तकनीक में आप इन पांचों मर्मों का एक साथ उपचार कर सकते हैं। तो जो मैं तकनीक का इस्तेमाल कर रही हूँ उसको कहते हैं क्लोज लोटस पोजिशन, लेकिन मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। पहले आपसे सीमांत मर्म के बारे में बात करती हूँ कि क्या है, कहाँ इसकी लोकेशन है, कैसे जाने और क्या फ़ायदे हैं इस मर्म का उपचार करने के। जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहती है, जिनको मन मस्तिष्क की समस्याएं हैं, कुछ लोगों के मस्तिष्क का ढंग से विकास नहीं होता है और कुछ लोगों का मस्तिष्क जो सर है वो छोटा होता है और इरिटेबिलिटी है, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, बहुत एक्साइटेबिलिटी है, ADHD है, ऑटिज़म भी है जिन लोगों को, इन सब के लिए ही जो ये मर्म चिकित्सा है बहुत प्रभावी है। जो सीमांत मर्म है ये हमारे कपाल के, हमारे सिर के अस्थियों के जो जोड़ हैं, जो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल जो बोन्स हैं उनकी जो संधियां हैं उनके ऊपर, इनके जॉइंट्स के ऊपर स्थित है। जब हम इसका उपचार करेंगे अभी सीमांत मर्म का, तो आपके साथ में जो बाकी चार मर्म है हम उनको भी साथ में ही हम इनका उपचार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम क्लोज लोटस पोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आयुर्वेद के अंदर लोग शिरोधारा, शिरोवस्त्र से भी इसका उपचार कर रहे होते हैं, पर हम अभी मर्म चिकित्सा में आ रहे हैं तो हम मर्म चिकित्सा की बात करेंगे। ये है हमारी क्लोज लोटस पोजिशन। इसमें जो हमारी फिंगर्स हैं ये जाएंगी हमारी जो पैराइटल बोन्स हैं इसके सूजे पर, और हमारे जो हाथों का जो हाइपोथैलर एमिनेंस है वो जाएगा अपांग मर्म पर, हमारे जो थम्स हैं वो जाएंगे ऑक्सीपिटल बोन्स की एमिनेंस के ऊपर। अब हमें इसे कैसे इसका उपचार करना है, कैसे हमें प्रेशर देना है, आप अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम प्रेशर देंगे जिस टाइम पर हम साथ में सांस लेना और सांस में सांस छोड़ने की प्रक्रिया करेंगे, ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ना भी, अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं तो ब्रीदिंग का हम कह सकते हैं अपने क्लाइंट को करने के लिए, अदरवाइज़ अगर कुछ कोई ऐसा है जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा ही है या फिर कोई मंदबुद्धि इंसान है, क्योंकि मंदबुद्धि लोगों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि साथ में ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, तो जब आप सांस को छोड़ते हैं तो आपको प्रेशर देना है उन मर्म स्थानों पर, सांस को छोड़ते समय आपको प्रेशर देना है उन मर्म स्थानों पर, ध्यान रखिएगा गहरी गहरी सांसें लेनी होगी। और हमें अब इन सबको कैसे एक साथ उपचार करना है, कैसे प्रेशर देना है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कहा था क्लोज लोटस पोजिशन, मैंने आपको बताया था कहाँ पे कौन सी जाएंगी, कहाँ पे थम जाएगा, कहाँ फिंगर जाएगा, कहाँ पे आपकी ये हाइपोथैलेमस एमिनेंस जाएगी कहाँ। अब आप समझ गए होंगे सारी लोकेशन, तो हमें कोई इस तरह से हमें प्रेशर दे सकते हैं। बहुत ही प्रभावी है मर्म चिकित्सा के अंदर ये, आप जरूर इसका जो भी मस्तिष्क की समस्याएं हैं, जिनको सर में दर्द भी रहता है, सर की बीमारियां भी हैं, ऑटिज़म है, इस तरह की सब बीमारियां, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने मर्म चिकित्सा की कक्षा में और बहुत सारे मर्मों के उपचार को लेकर, मर्मों की जानकारियों को लेकर आती रहूँगी। आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़े रहें मेरे साथ में। अभी के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।